हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिस पोस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जो निराला जी की जो कविता है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, इसके पहले हम उत्साह पढ़ चुके हैं। दूसरा जो इनकी कविता है अट नहीं रही है, तो जो ये अट नहीं रही है ये फागुन के महीने का वर्णन किया गया है, और इस फागुन के महीने की जो मादकता है, जो उसका सौंदर्य है, उसी का मानवीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऋतु को जानेंगे कि हमारे देश में ऋतुएं कितनी होती हैं और उनका किस किन नामों से हिंदी कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर में और वैदिक नाम क्या क्या होते हैं, इसी को हम लिख रहे हैं। थोड़ा इसको लिख भी लो। बसंत ऋतु जो है चैत से बैसाख, मार्च से अप्रैल तक, जिसका वैदिक नाम मधु है। ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़, मई से जून तक, अंग्रेजी नाम है और वैदिक नाम शुक्र है। वर्षा ऋतु जो है श्रावण से भाद्रपक्ष, जुलाई से सितंबर तक, जिसका वैदिक नाम है नवह। और पतझड़ ऋतु अश्विनी से कार्तिक तक, जो अक्टूबर से नवंबर तक, जिसका वैदिक नाम कुश है। और हिमांश से क्या बता सर, आवाज आ रहा है सर? कैसा आवाज आ रहा है बेटा? रुकना रहा है कुछ सर, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। ये नोट भी करो सर। जो नवंबर से सितंबर तक होता है इसको भी निकलो। नवंबर से सितंबर तक दिसंबर, नवंबर से दिसंबर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही, लेकिन कुछ खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है उसी में। इसके बाद हेमंत के बाद एक ऋतु आती है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु जो है जनवरी से फरवरी तक माना गया है। जनवरी से फरवरी तक, और जिसका वैदिक नाम है तपह। तपह इसको हम ध्यान से देखेंगे। सर ऊपर से फिर से एक बार पढ़ दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो बेटा जो आप लिखे वो अट नहीं रही है, कविता हमको पढ़नी है निराला जी की है। अट नहीं रही है का मतलब कि सुनाई नहीं दे रहा, कोई चीज छोटा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो क्लियर नहीं है, पहले सुन लो सर। वीडियो रुक गया सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो रुक गया, इसको ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये
फागुन की मादकता का वर्णन इसमें किया गया है। फागुन की जो मादकता है वह जो है हमारे पृथ्वी पर अट नहीं रही है। इसका फागुन की मादकता का कई रूपों में कवि वर्णन करता है। यह किन किन रूपों में वर्णन करता है पढ़ाते समय, इसकी व्याख्या करते समय बताऊंगा। इसकी थोड़ी सी भूमिका हमें यह जान लेनी है कि फागुन जो महीना होता है बसंत ऋतु में आता है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां छह ऋतुएं आती हैं और छह ऋतुएं जाती हैं। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां छह ऋतुएं आती हों और जाती हों। विश्व के भारत को छोड़कर विश्व में जितने देश हैं मात्र चार ऋतुएं हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां छह ऋतुएं का आगमन होता है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये जो है बसंत ऋतु चैत से बैसाख तक, यानी मार्च से अप्रैल तक हिंदी कैलेंडर से, अंग्रेजी कैलेंडर से मार्च से अप्रैल तक, हिंदी कैलेंडर से चैत से बैसाख तक, जिसका वैदिक नाम मधु है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ से आषाढ़ तक, मई से जून तक, जिसका वैदिक नाम शुक्र है। वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्र पक्ष तक, जुलाई से सितंबर तक, जिसका वैदिक नाम है। क्या बेटा आवाज नहीं आ रहा है सर? आवाज नहीं आ रहा है सर। वीडियो विकास रवि शंकर, विकास हेलो, अब आवाज जा रही है? आ गए। अब आवाज जा रही है? हेलो, आप नहीं है? लैग हो रहा है सर। हाँ तो ध्यान से सुनो, लैग हो रहा है सर। क्या वीडियो लैग हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा वहाँ। सर ये बसंत जो आप लिखे हैं ना सर, सर तो बसंत 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक होता होगा ना? मार्च से, हाँ बेटा मार्च से अप्रैल तक। सर थोड़ा देखिए, तो बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं जा रही है, क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं आपको नहीं आ रहा है। अब देखिए तो अब ठीक है बेटा? नहीं आ रहा है आवाज सर। नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है, करने दीजिए आप। हेलो हेलो, किसको आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा इसमें? किसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है इसमें, बताओगे? यस सर, आ रहा है अब। हाँ तो ध्यान से सुनो, ऐसा है कि अट नहीं रही है कोई चीज, अट नहीं रही है। इसका मतलब कि कोई थैला है जो 5 केजी का है, यदि उसमें 10 केजी हम डालना चाहें, उसमें रखना चाहें, तो उसमें अटेगा नहीं। तो जो अटेगा नहीं वो बाहर गिरेगा। तो ये बसंत ऋतु जो है इसमें कभी
जो फागुन की मादकता है, फागुन की मादकता का वर्णन करता हुआ कहता है, तो बसंत ऋतु में ही यह फागुन आता है और इसके कई रूपों में वर्णन किए हैं कवि जो है, कई रूप में हमको बता रहे हैं। पहला तो बसंत ऋतु के बारे में हम जान जाएं कि बसंत ऋतु जो है चैत से बैसाख तक, मैंने लिख दिया है मार्च से अप्रैल तक, जिसका वैदिक नाम मधु है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ से आषाढ़ तक, जिसका वैदिक नाम शुक्र है, मई से जून तक होता है। वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्रपद तक, जिसका वैदिक नाम नवा है, जुलाई से सितंबर तक होता है। पतझड़ ऋतु, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, ये अश्विन से कार्तिक तक होता है, जो अक्टूबर से नवंबर तक होता है, जिसका वैदिक नाम इस होता है। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष से पौष तक, नवंबर से दिसंबर तक, वैदिक नाम स है। हेमंत ऋतु का जो वैदिक नाम है सह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंतिम जो ऋतु होती है शिशिर ऋतु। छह ऋतुओं का आना जाना मौसम का जो परिवर्तन है मात्र भारत में है। और यहाँ कवि जो है कहता है अट नहीं रही है, तो क्या अट नहीं रही है? तो जो फागुन की मादकता है, जो फागुन का सौंदर्य है, जिसका मानवीकरण किया गया है, जिसकी आभा फागुन की तन, आभा का मतलब चमक, सौंदर्य, जो फागुन का सौंदर्य है, ये पृथ्वी रूपी तन पर, इस पृथ्वी पर क्या नहीं हो रहा है? अट नहीं रहा है। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि इस पृथ्वी पर फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो जब हवा चलती है, प्रकृति के द्वारा जब चारों तरफ फागुन की मादकता होती है और तनिक भी हवा चलती है तो क्या होती है? घर घर जो है उसकी सुगंध भर जाता है, हर घर में उसकी सुगंध जो है भर जाती है। जब हर घर में सुगंध भर जाती है तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो फागुन की सुंदरता एक तो तन पर अर्थात पृथ्वी पर समा नहीं रही है, वह प्रकृति के कण कण में क्या हो रही है? व्याप्त हो गई है। इसमें कवि जो है रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कहता है कि जो सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने में, यहां जो सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, यानी सांस के द्वारा जो है प्रकृति के कोने कोने को क्या होता है? यह फागुन का मदकता भर देता है, यानी जो सुगंध है वह कोने कोने में भर देता है। अब तुम मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हो। जब हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, जब चारों तरफ फागुन का सुगंध भर जाता है, तो मन में क्या होता है? मन में तरह तरह के पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। अब कहने का अभिप्राय यह है कि सब जो है फागुन की सुंदरता को देखकर फागुन की सुंदरता से मोहित हो गए हैं। यह बहुत ही सुंदर है। इसी सुंदरता को कवि कहता है कि मैं उसकी ओर से अपनी आंख हटाना नहीं चाहता। इतना सुंदर दृश्य है कि अपनी आंख उस सुंदरता से मैं हटाना नहीं चाहता, पर वहां से
हट नहीं पा रही, आंख हटाने पर भी हट नहीं पा रही, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। इतना सुंदर दृश्य है कि मैं आंख हटाना भी चाह रहा हूं तो मेरी आंखें इस प्रकृति की मादकता से हट नहीं रही है। अब क्या आगे कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, बसंत ऋतु में जो पेड़ के पत्ते हैं कोमल लाल लाल कलियां निकलती हैं हर डाल पर, कहीं हरा कहीं लाल जो है पत्ते निकल आते हैं। अब पेड़ की डालियों पर जो पत्ते हैं पूरी तरह से क्या हो गए हैं, लद गए हैं, और कहीं हरे रूप में और कहीं लाल रूप में, यानी जो लाल रूप होता है एकदम नया होता है कोमल होता है उसमें लालिमा छाई रहती है, उसके बीच जो सुंदर सुगंधित फूल भी खिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके कंठों से सुगंध जो है उर में हृदय में मालाएं पड़ी हुई हैं। अब देखो यहां कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, मानो इस पृथ्वी पर जितने हरे भरे पौधे लगे हुए हैं और डालियों पर जो पत्ते खिले हुए हैं और उनके बीच में जो हरे हरे पुष्प खिले हुए हैं, मानो पृथ्वी के हृदय पर पृथ्वी के हृदय में ये क्या कर रहे हैं, हृदय को माला के रूप में शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मानो ये फूलों की माला जो है इस तन पर इस हृदय में पृथ्वी रूप की हृदय में माला जो है पड़ी हुई है। और आगे कहते हैं कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभा, ये जो मालाएं हैं जो पड़ी हैं, कवि प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि जगह जगह शोभा के जो वैभव हैं वह क्या हो गए हैं, कूट कूट कर भर रहे हैं, पर वह अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा नहीं पा रहे हैं, यानी चारों तरफ इतना वैभव बिखरा हुआ है कि वह पट नहीं रही है समा नहीं रही है। फागुन की बसंत ऋतु की जो शोभा है, इस फागुन की जो शोभा है हमारे पृथ्वी पर समा नहीं रही है, ऐसा कवि का मानना है। यहां फागुन के कई रूपों का वर्णन किया गया है, इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग दो में संकलित है, जिसके रचयिता छायावाद के कवि, छायावाद के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये मूल रूप से ये जो काव्य रचा गया है राग विराग से है, राग विराग में ये कविता संकलित है। कवि ने इसमें फागुन की मादकता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और जिसकी सुंदरता यानी फागुन की जो सुंदरता है उल्लास के साथ चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अब इसकी हम व्याख्या किस तरह करेंगे, भावार्थ सहित व्याख्या। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है।
देखो, कवि कहता है कि फागुन की जो सुंदरता है हमारे शरीर में, यानी जो फागुन की सुंदरता है इस पृथ्वी पर तनिक भी समा नहीं पा रही है। वह प्रकृति के कण कण में क्या हो रही है, व्याप्त हो रही है, फूट रही है। अपने इस रहस्यवादी भावों के कारण छायावद के कवि मशहूर हैं, जिसमें निराला जी तो छायावाद के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। वो प्रकृति का वर्णन, जो प्रकृति का मानवीकरण किया है बहुत ही सुंदर रूप से। अब यहां फिर कवि कहता है कि पता नहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तुम कहां बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को भर देते हो। यदि उड़ने को मन करता है सुगंध से तुम भर देते हो, यानी कल्पना के आकाश में जब उड़ने को मन करता है तो तुम मन को, मन रूपी पंख लगा प्रदान कर देते हो, मन रूपी पंख प्रदान कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर माने पंख, पर मतलब होता है पंख। मानो कल्पना के आकाश में तुम उड़ने के लिए पंख प्रदान कर देते हो, तुम मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हो, सब तरफ तुम्हारी सुंदरता ही व्याप्त है, वह अत्यधिक आकर्षक और सुंदर है। फिर भी कवि कहता है कि मैं उसकी ओर से अपनी आंख हटाना भी चाहता हूं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। इस फागुन की सुंदरता से जो पृथ्वी पर व्याप्त है, जो अपने आंखों से हम देख रहे हैं, यदि आंख हटाना भी चाहूं तो मेरी आंख हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, ये जो इस ऋतु में सारी डालें जो हैं हरी भरी हो जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, उसी को कवि यहां कहता है कि पेड़ों की सभी डालियां जो हैं पत्तों से पूरी तरह से लद गई हैं, कहीं हरे पत्ते, कहीं कोमल पत्ते, कहीं लाल पत्ते, उसके बीच जो सुंदर सुगंधित फूल हैं, उसी के बीच जो सुंदर सुगंधित फूल हैं वो क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठों में, उनके हृदय में, उनके हृदय में फूलों की माला पड़ी हुई है, फूलों की माला पड़ी हुई है। आगे फिर कवि कहता है कि जगह जगह ऐसी शोभा व्याप्त है कि मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मानो ऐसा प्रतीक होता है कि जो वैभव है वह कूट कूट कर भर गया हो अपनी पुष्पलता के कारण, इस पृथ्वी पर समा नहीं पा रही है, यानी ये जो शोभा है चारों ओर बिखरी पड़ी है। यही इस कविता का भावार्थ हुआ। अब इसमें हम शिल्प सौंदर्य को थोड़ा देख लेंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश का भी वर्णन किया गया है और मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण कहाँ किया गया है, तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
अब इससे प्रश्न उत्तर कैसे पूछे जाते हैं इसको हम ध्यान से सुनेंगे। कभी पहला प्रश्न कि कभी में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कवि ने फागुन महीने की जो अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता का जो वर्णन किया है, जिसे देखकर कवि के हृदय में अनेक कल्पनाओं का जन्म होता है। कवि के अनुसार ईश्वर की यानी प्रकृति की जो शोभा है वह चारों तरफ व्याप्त है। दूसरा क्वेश्चन, कवि ने अपनी कविता में किसे अपनी बात कहनी चाहिए है। तो कवि ने कविता में रहस्यवादी भाव प्रकट करते हुए अपने प्रियतम से अपनी बात कहनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कि कवि ने किस महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। तो कवि ने फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। चौथा क्वेश्चन कि कवि के प्रिय किसे और किसके द्वारा सुगंध से आपूरित कर देते हैं। तो कवि के प्रिय अपनी श्वास से, अपनी हर सांस से प्रकृति के कोने कोने को सुगंधित कर देता है। पांचवा क्वेश्चन कि कवि को मन के पंख क्यों प्रदान किए गए हैं। इसका आंसर बनेगा कि कवि के मन को उसके प्रीतम द्वारा पंख इसलिए प्रदान किए गए हैं ताकि वह कल्पना के आकाश में, जिस तरह आकाश में पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ा करती हैं, उसी तरह कल्पना के आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक हम ऊंचा उठ सकें या उड़ सकें। छठा क्वेश्चन कि चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है। तो चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य व्याप्त है। छोटा सा आंसर हम लिखेंगे कि चारों ओर प्रकृति का जो सौंदर्य है वह व्याप्त है। कवि अपने सातवां क्वेश्चन कि कवि किसकी ओर से अपनी आंख हटा नहीं पाता और क्यों। तो आंसर इसका बनेगा कि कवि अपने चारों ओर फैले प्रकृति के सौंदर्य या परमात्मा के सौंदर्य से आंख नहीं हटा पाता, उसका मन नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य में बंध कर रह गया है। आठवां क्वेश्चन, पेड़ पौधों की डालियां किस प्रकार के पत्तों से लद गई हैं। तो पेड़ पत्तों की जो डालियां हैं, हरे भरे पत्ते नई नई लाल कपोलों से लद गई हैं। वन के वैभव में कूट कूट कर क्या भरा हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा कि वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। अंतिम क्वेश्चन कि कविता के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे बड़ी बात कि कवि ने खड़ी बोली में कविता रची है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का अधिकांश प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, आतुकांत छंद है, विशेषोक्ति असंगत पुनरुक्ति रूपक और मानवीकरण स्वभावोक्ति अलंकारों का सहज प्रयोग इसमें किया गया है। आगे इसमें से इस तरह के और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कवि ने किस प्रकार की भावना को व्यक्त किया है। तो हम इसका आंसर यूं लिखेंगे कि कवि ने रहस्यवादी भावना का बात किया है। इसमें उसमें सब दिशाओं में फागुन की सुंदरता और उल्लास जो है
समान रूप से फैला हुआ प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, कविता में किस सुंदर छटा को मुखरित किया गया है? तो प्रकृति की जो सुंदर छटा जो है मुखरित की गई है, केवल प्रकृति की। भाषा में कौन सा गुण विद्यमान है? तो भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है। इसी तरह जो ऋतु है, बसंत ऋतु पर एक छोटी सी कविता, जो इस कविता से जुड़ी हुई है, पढ़ रहे हैं, इसका भी आप भाव जान जाएंगे, इसी कविता से अर्थ व्याप्त करती हुई आपको प्रतीत होगी कि खिल रही है कोमल कलियां ऋतु बसंत की आने से, तितलियां भी मुस्करा रही हैं इस बहार के आ जाने से, फैलने मौसम हुआ सुहावना, फैलने के हरियाली से गलियां है महकी महकी ऋतु बसंत की आने से, खेत खलिहान लगते हैं सुंदर पीली पीली सरसों से, पेड़ पौधे हैं हरे भरे सुंदर सुंदर कलियों से, हमको भाता यह मौसम है रंग बिरंगी तितलियों से, लदे हुए हैं पेड़ पौधे पत्ते और कलियों से, खिल गई है कोमल कलियां ऋतु बसंत की आने से, हर गली मुस्कुरा रही है इस बहार के आ जाने से, इस बहार के आ जाने से, बसंत ऋतु के आने से। तो इस ऋतु में सारे लोग मानसिक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी प्रकृति की जो आभा है और बढ़ जाती है। इसी आभा का वर्णन करते हुआ कवि फागुन की मादक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि जो है इस कविता में अपनी बात कई रूपों में प्रकट किया है। अब इसके कुछ हम प्रश्नोत्तर देख लेंगे। आज इसका प्रश्नोत्तर यदि लिखकर नहीं भेजे होंगे तो भेज देंगे। सर थोड़ा बच्चों को जोड़िए, देखें कुछ पूछना चाहते हैं। समय बहुत कम होगा, खत्म नहीं हो गया, कई मिनट है। अच्छा ठीक है, हेलो। यस सर। अब देखो इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम देखेंगे कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है और क्यों। तो पहली बात हम जानेंगे इसका आंसर कि निराला एक तो विद्रोही कवि थे, वे समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे, वे क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास रखते थे जो ओज और जोश पर निर्भर करता है। ओज और जोश के लिए आभा का मतलब क्या होता है? आभा, आभा का मतलब होता है सुंदरता। आभा माने चमक, सौंदर्य। तो चमक होता है इसमें ओज और जोश को कभी बादलों को गरजने के लिए कहता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसका आंसर भी बोल रहा हूँ। कविता का जो शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने उत्साह पूर्वक ढंग से प्रगतिवादी जो स्वर है उसको प्रकट किया है। वह बादलों को गरज गरज सारे संसार को नया नया जीवन प्रदान करना चाहता है या नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहता है।
जिसके भीतर ब्रजपात की शक्ति छिपी हुई है, वे संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल जो है ललित कल्पना क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। मुख्य बात दो चीज ध्यान रखना, एक तो पहला ललित और दूसरा क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। एक तरफ यह पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ नई कल्पना नए अंकुर के लिए विध्वंस विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। इसके बाद हम क्या बेटा, शिल्प सौंदर्य में बेटा जो अलंकारिक सौंदर्य होता है, जैसे किन किन तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह गेय भाषा है कि कठिन भाषा है, कौन कौन से अलंकार हैं, किस तरह के शब्द हैं, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है, इसमें शिल्प सौंदर्य आता है। अरे छंद क्या है, क्या लास्ट के तीन लाइन जरा बता दीजिए ना अर्थ उसका, लास्ट के तीन लाइन का छंद क्या होता है? अर्थ नहीं रही है अमित, अर्थ नहीं रही है। यस सर, उसी का मंद मंद पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कहीं हरी हरी कहीं लाल। देखो फागुन के महीने में हमारी जो डाले हैं ये क्या हैं? पट, हाँ, कहीं जो है जब बसंत ऋतु आती है तो हमारे पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। जब हरे भरे हो जाते हैं तो वह कहीं कोमल पत्ते निकलते हैं, कहीं हरा होता है, कहीं कोमल होता है, कहीं लाल होता है। उसी तरह यहाँ जो कवि कहता है कि इसी के बीच जो है इन पत्तों के बीच हमारे पृथ्वी पर कुछ फूल खिले हुए हैं, तो वो फूल ऐसा लगता है मानो जो है मानो पृथ्वी के हृदय की माला बनाए हुए, पृथ्वी फूलों की ये कंठों जो सुगंध उस पुष्पों से निकल रही है, उस पुष्पों की जो है हमारे